और आपको ये बताऊंगा कि बॉल पकड़ते कैसे हैं। बॉल को अगर थोड़ा सा ढीला पकड़ें और उंगलियों में गैप रखा जाए। ये जो चीजें जो ग्रिप्स और जो शाइन बता रहा हूँ ये न्यू और सेमी न्यू बॉल के लिए है, नॉट दैट चीज बॉल बहुत पुराना हो जाए या रफ एंड टफ हो जाए फिर वो विद द शाइन होता है, एक अनदर स्टोरी है जो बाद में आपको बताऊंगा। क्योंकि सीधा स्विंग करना है, रिवर्स स्विंग करना है, वो विद द शाइन होता है। जो नया बॉल सेमी न्यू बॉल के लिए हम ये बता रहे हैं कि सेमी न्यू बॉल जो शाइन अंदर की तरफ होगी बैट्समैन की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, और जो शाइनिंग साइड बाहर की तरफ होगी वो बैट्समैन के बाहर की तरफ होगी। ये सेमी न्यू और न्यू बॉल के लिए हम बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी रिस्ट का जो एंगल है टुवर्ड्स ऑफ स्टंप है और मेरा जो जिस फिंगर का जोर है वो भी टुवर्ड्स ऑफ स्टंप है। और इस पे अगर प्रैक्टिस अगर आप इस पे करें और आप हेड फोकस रख के अपने रिस्ट और जो पॉइंट ऑफ फिंगर्स हैं वो टुवर्ड्स ऑफ स्टंप रखें, और ये डोंट फॉरगेट कि ये शाइनिंग साइड है और ये रफ साइड है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये शाइनिंग साइड है, इसके अगेंस्ट स्विंग होता है सीधी ये घास पे विक्टिम, जैसा अभी पहले 10 ओवर। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इस फिंगर पे मेरा ज्यादा जोर होता है और एंगल डी होता है कि मेरे हाथ का एंगल जो है वो भी टुवर्ड्स ऑफ स्टंप जाना चाहिए, कोलैप्स करना चाहिए टुवर्ड्स ऑफ स्टंप। और बेसिकली अगर आप बॉल को थोड़ा सा गैप सीम के दरमियान अपनी उंगलियों के दरमियान गैप रखे सीम में तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। नॉर्मली बॉलर्स आपको टाइट करते हैं, यहाँ से बॉल टाइट पकड़ते हैं, जैसे मैं टाइट पकड़ता हूँ, और बहुत सारे बॉलर जिनके हाथ बड़े होते हैं उंगलियां बड़ी होती हैं वो सब खुला पकड़ते हैं, थोड़ा सा गैप देके पकड़ते हैं उसमें से। तो इससे फायदा ये होता है कि बॉल को एक तो मूवमेंट उसको टाइम मिल जाता है हाथ से रिलीज होने का, अच्छा मौका मिल जाता है, उसको ट्विस्ट अच्छा करता है इस वजह से, और दूसरा उसको एयर द मूवमेंट जो होती है, जो एयर मूवमेंट